आज जो आपने रेल रोकने का प्रयास किया, क्या पूरा मामला था? संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज पूरे भारत में रेल रोको अभियान है। लगातार 11वां महीना है, किसान दिल्ली के चारों तरफ है, लेकिन किसान की कोई नहीं सुनवाई हो रही। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा उकसाकर अपने बेटे के और अपने गुंडों के द्वारा जो किसानों की हत्या करवाई गई है, उसी को लेकर ये भारत बंद का आयोजन किया गया है। अब हमारा प्रयास है कि हम अपने आंदोलन को सफल बनाएं, लेकिन ये भी है कि शांतिपूर्वक बनाएं। सरकार चाहती है जवान और किसान टकराए और सरकार उसका लाभ उठाए, लेकिन हमारे ही भाई और बेटे ये जवान हैं, हमको मिलकर आंदोलन करना है। या हमारे सर फोड़ते हैं, फिर भी शाम को रात को बैठकर हम लोग खाना साथ में खाते हैं। जवान का और किसान का टकराव नहीं होगा और आंदोलन ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। अगर ट्रेन को आपसे रोकी नहीं गई, अब इतनी फोर्स यहाँ पर लगाई हुई है, शामली के सारे थाने CO GRP RPF सभी लोग यहाँ लगाए गए हैं, तो इन्होंने नहीं रोकने दी, लेकिन हमारा प्रयास था, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। अच्छा, बॉर्डर पे जो है किसान की हत्या हुई, तमाम तरह के आरोप जो है किसान संगठन पर, संयुक्त मोर्चा पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मानना है आपका? देखो, जो बॉर्डर पर हत्या हुई है, जहाँ पर आंदोलन हो रहा है, आंदोलन के बाद में बैरीगेट लगे हुए हैं, उसके बाद सीमेंट की सड़कें हैं, उसके ऊपर नुकीले तार लगाए गए हैं जो जानवरों के लिए भी प्रतिबंधित है, उसके बाद किले गाड़ी गई हैं, उसके बाद में वहाँ पर फोर्सेज तैयार हैं, और उसके 500 मीटर दूर निहंगों का एक जत्था है, उसने उनके धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की है, वो धार्मिक मामला है, उससे किसान आंदोलन का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।